वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईवान वज़ीर आला में पाक एजुकेशन टास्क फोर्स के चेयरमैन सर माइकल बार्बर की सरबराही में वफद ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब जहालत के खात्मे के बगैर शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता और इसीलिए हुकूमत पंजाब ने तालीम को अपनी अव्वलीन तरजीह बना दिया है। सूबाई वज़ीर तालीम मियाँ मुश्तबा शजाउर रहमान, रुकन कौमी असम्बली सायरा अफजल तारड़, चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन राजा मोहम्मद अनवर, वाइस चेयरमैन पंजाब एजुकेशनल एंडोरमेंट फंड डॉक्टर अमजद साकिब, चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्यात और सेक्रेटरी स्कूल्स भी इस मौके पर मौजूद थे। उधर सल्वीनिया से आए हुए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहरीन के वफद ने ईवान वजीर आला में मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफद के सरबराह डॉक्टर जोरॉन स्टोमोस्टोसिक और वजीर आला ने तवानाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वाइस चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड ख्वाजा अहमद हसान, मेंबर सूबाई असम्बली सैयद जाइम कादरी, सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी अपाशी, कमिश्नर लाहौर और प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले माहरीन ने शिरकत की। दूसरी जानब दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चरल फॉर्म के जेर एहतमाम बाबा गुरु नानक जी के 542वें जन्मदिन के मौका पर पानी बिना पंजाब किथे के मौजू पर मुनक्कदा सेमिनार से अपने खिताब में वजीर आला पंजाब ने कहा कि गुर्बत, जहालत और बेरोजगारी हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं और हमें इनके खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। अपने खिताब के दौरान वजीर आला ने सरदारों पर बनाए गए लतीफे भी सुनाए जिसे सिख यात्री भी बहुत महजूज हुए। इन तमाम मसरूफियात से फुर्सत के बाद वजीर आला सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की रिहाइश गाह मुस्लिम टाउन गए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की वालदा की वफात पर इजहार ताजियत की और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। मेंबर कौमी असम्बली अफजल खोकर और मेंबर सूबाई असम्बली जईम कादरी भी वजीर आला के हमराह थे। कैमरा टीम के साथ आसिम भट्ट, सिटी 42।